यहाँ कितने सारे लोग हैं और स्पेशली आज काफी भीड़ है क्योंकि आज है संडे और संडे को आगंतुकों से विनम्र अनुरोध किया जाता है मेला प्रशासन की तरफ से कि आप लोग किसी भी मेला परिसर में किसी भी मार्ग पर या कहीं भी और आप देख सकते हैं कि मैं सरस पार्क में एंट्री करने वाली हूँ और चलिए देखते हैं कि वहाँ क्या क्या है। आप देख सकते हैं यहाँ प्लांट्स लगाए हुए हैं और कुछ बर्ड्स भी बनाए गए हैं जो बच्चे काफी खुश हो रहे हैं इन सबको देख के। संगीता कुमारी आपके हस्बैंड रंजन कुमार सहायता केंद्र पे आपके हस्बैंड रंजन कुमार हेल्प डेस्क पे आपका इंतजार कर रही है। बहुत अच्छा फील हो रहा है। आप फर्स्ट टाइम आए हो इस मेले में? तो आप फर्स्ट? क्या नाम है आपका? आप सब सेवन? आप लोग स्कूल की फ्रेंड्स हैं? तो आप लोग यहाँ आई है तो बहुत मजा आ रहा है। मुख द्वार के बगल में किसी भी प्रकार की गाड़ी पार्किंग नहीं करेंगे। मुख द्वार के बगल में किसी भी तरह की गाड़ी पार्किंग नहीं करेंगे। किसी भी गेट से किसी भी प्रकार का वाहन मेला परिसर में प्रवेश नहीं करेगा। अट्रैक्शन इन्हें पता नहीं है पर इन्हें बहुत अच्छा लग रहा है इस पार्क में आते हैं। यहाँ काफ़ी लोग हैं तो मैं इनसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि क्या नाम है आपका? प्रिया। तो अब यहाँ संगीता कुमारी आपके हस्बैंड रंजन कुमार आपका सहायता केंद्र पे इंतजार कर रहे हैं। जो आप खा रही है संगीता कुमारी यहाँ पे भी हो आपके हस्बैंड रंजन कुमार हेल्प डेस्क पे आपका इंतजार कर रहे हैं। तो आपको यहाँ कुछ पसंद आया खरीदने लायक कुछ पसंद? बहुत सारी चीज़ें बट नहीं मैंने कुछ नहीं खरीदा। और आपका क्या नाम है? निशा। निशा तो आप ये बताइए कि आपको यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी? यहाँ पे तो वैसे सब कुछ अच्छी है, बहुत अच्छी लगी। हैंडमेड है, हैंडक्राफ्ट सब कुछ बहुत अच्छा है। मेले परिसर में घूमते रहे और जानते हैं कि वो क्या है। मेले परिसर के में प्रतिनियुक्त जिला प्रशासन के सभी दंडाधिकारियों पुलिस बल से अनुरोध है कृपया मेले परिसर में किन्हीं आगंतुकों को बैठने न दें। जिला प्रशासन के प्रतिनियुक्त सभी दंडाधिकारी और पुलिस बल से अनुरोध है मेले परिसर में किन्हीं आगंतुकों को बैठने न दें। मेले में घूमते फिरते रहे किन्हीं आगंतुकों को। तो आपने अभी तक क्या क्या लिया है यहाँ से? हम लोगों ने मेले परिसर में आए हो सभी आगंतुक से अनुरोध है कृपया मेला परिसर में बैठे नहीं एक दूसरे को रास्ता दें। मेले में घूमते फिरते रहे मुख्य द्वार पे जिला प्रशासन के प्रतिनिधि दंडाधिकारी एवं पुलिस बल से अनुरोध है मुख्य द्वार पे किसी प्रकार की खरीद बिक्री किसी प्रकार की गाड़ी का पार्किंग नहीं होने देंगे। मुख्य द्वार पे जिला प्रशासन के प्रतिनिधि दंडाधिकारी एवं पुलिस बल से अनुरोध है मुख्य गेट को साफ रखेंगे। मुख्य गेट पे किसी प्रकार का खरीद बिक्री गाड़ी पार्किंग नहीं करने। मैं इस वक्त एक स्टॉल के पास आई हूँ तो मुझे नहीं पता ये क्या है तो मैं मैम से पूछना चाहूँगी कि ये है क्या और ये किस चीज़ से बनी हुई है? आप ये है क्या चीज़? ये तोरण है घर के ऊपर लगाते हैं। ये तोरण है जो घर के ऊपर लगाते हैं। ये बनाना फाइबर से बना हुआ केले के रेशे से बना हुआ है। आपने कब बनाना स्टार्ट किया इसे? एक्चुअली मैं डिज़ाइनर हूँ। इन्वर्शन मेरे दिमाग में पहुँचा था। साउथ में ट्रेनिंग देने गई 2010 में तो मुझे लगा कि हम अपने बिहार में भी कर सकते हैं तो इस प्रोजेक्ट को लेकर मैं 2010 में बिहार में आई और लोगों को बहुत ही जागरूक किया लेकिन लोग जागरूक नहीं थे। मैंने खुद की अपनी इंडस्ट्री लगा ली समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में तो लोग जो केले के थम को बाहर फेंक देते थे उसको मैं उठा लेती थी। उठा करके फिर महिलाओं को ट्रेनिंग देने शुरू किया मशीन ला करके कि वो लोग फाइबर निकालें। फाइबर निकालने के बाद हम लोग ने फिर महिलाओं को ट्रेनिंग दिया कि आप लोग इस तरह की चीज़ें बनाना शुरू करें। जब
किया और आज हम लोग कपड़ा बना रहे हैं। और बिहार गवर्नमेंट को मैंने कई कपड़े के बैग्स दिए हैं। चंपारण महोत्सव में आईटी डिपार्टमेंट के इनोग्रेशन में भी मैंने बैग दिया, फाइल भी दिया। जैसे ये टी पॉस्चर्स है जो हम लोग हमारी गांव की महिलाएँ बनाती हैं। ये बनाने में कितना वक्त लगता है आपको? जैसे 6 टी पॉस्चर बनाने में हमें 1.5 दिन का टाइम लग जाता है। इसलिए एक्चुअली इसका फाइबर जो है केले के थंब को जब हम लोग निकालते हैं तो 250 ग्राम ही फाइबर 200-250 ग्राम रेशो देता है और बहुत ज़्यादा मोटा थंब 400 ग्राम देता है, तो उसके हिसाब से वो काफ़ी कॉस्टली होता है। कितने से स्टार्ट है हमारा स्टार्ट है मैट से, जैसे ये मैट 300 पीस का है। इससे स्टार्ट है साइज पर, ये यार्न भी हम लोग बना रहे हैं, रस्ते की लकड़ी भी बना रहे हैं और अभी पेपर भी बनाया है मैंने। मैंने आज कोयम्बटूर में बनाया था लेकिन अपने बिहार में भी मैंने पेपर बनाना स्टार्ट कर दिया है, हैंडमेड जो सभी नया स्टार्ट किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहा है और मैम ने जैसे बताया कि उन्होंने केले के किसी से आपने बनाया केले के रेशे से ये बना हुआ है और ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत से सारे हैं ये, जैसे स्लीपर आप देख सकते हैं, कैप एंड ये घर की सजावट के लिए एंड बैग भी आप देख सकते हो। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेंटिंग जोन में, तो आप देख सकते हैं चारों ओर यहाँ कितनी खूबसूरत पेंटिंग बनी हुई है और यहाँ पे मैम अभी हल्का बहुत प्यारा सा पेंटिंग बना रही है। तो मैं इनसे जानती हूँ कि इस पेंटिंग का नाम क्या है, ये कहाँ से आई है, तो आप इस पेंटिंग का नाम क्या है बता सकते हैं? तो ये जो आपने काफ़ी बैग्स और ये सब डिज़ाइन करा है, तो इसके कितने सेल होते हैं? मैं इनसे पूछती हूँ, तो क्वेश्चन करना चाहूँगी कि आप मुझे ये बताएं कि आपके यहाँ पे कितने से कितने प्राइस कितना से स्टार्ट है? हम लोगों के पास 300 से मतलब सबसे छोटा साइज़ आता है, 3.5 इंच का आता है, वो 40 रुपये से शुरू होता है। वो कॉस्टर है, वो यूज़ में भी देते हैं, वो सेट बनाने के लिए किसी वहाँ से सेट बनाए और कॉस्टर्स में देते हैं, तो कॉस्टर हम लोग का 300 का पड़ता है और यूज़ में अगर लेंगे तो 40 रुपये पड़ता है। और सबसे हाईएस्ट जाता है हमारा 5000-6000, उसके ऊपर भी अगर आप बनाना चाहें तो। अगर मुझे ये बैग लेना हो तो इसकी क्या प्राइस होगी? ये बैग 300 का पड़ेगा। इसमें पेंटिंग के अलावा और क्या खासियत है जो आप आपने इतना प्राइस रखा है? ये बिल्कुल हैंडमेडेड है और इसका कलर बिल्कुल नहीं जाएगा, जैसे ये शाइन है वैसा ही है और ये हीट प्रूफ है और जी आप देख सकते हैं कितने प्यारे पेंटिंग्स है, किसी को भी देख के इन्हें लेने का मन करने लगे। आप बताइए इस पेंटिंग की खासियत क्या है? हमारे पास
सब तरह के लगभग अचार है। इसमें इस बार सहजन का भी अचार था जो खत्म हो गया, मशरूम का भी अचार हमारे यहाँ बनता है, और इमली का मीठा अचार, आम का मीठा अचार, और अचार में जैसे काजू किशमिश डाल के ड्राई फ्रूट का अचार बनता है, और खट्टा में बहुत सब तरह का। हमने लोगों से ओपिनियन लिए